पुष्पा झुकेगा भी साला और चंदन की खेती भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा तो क्या, यदि आप भी समझ लेंगे चंदन की खेती से मुनाफे के गणित को, तो पुष्पा तो क्या आप भी चंदन की खेती के बारे में एक बार सोचेंगे जरूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुउपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, चंदन की खुशबू सभी का मन मोह लेती है। चंदन की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चंदन की बात की जाए तो चंदन का उपयोग प्रायः सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने के लिए, पाउडर, इत्र बनाने के लिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाने के लिए की जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, चंदन का आयुर्वेदिक महत्व भी है। चंदन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से युक्त है, यानी कि चंदन से निकाला गया तेल मालिश करने से नसों की सूजन को दूर करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, चंदन डिसेंट्री के लिए लाभदायक है, यूरिनरी डिजीज में लाभदायक है। इसके अलावा स्किन डिजीज में भी चंदन बहुत ही लाभदायक है। चंदन की तेल मालिश करने से हेडेक और तनाव दूर होता है। दोस्तों, आखिर चंदन में ऐसी क्या खास बात है जो चंदन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी अधिक मांग है? दोस्तों, भारत के अलावा चंदन की खेती ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, न्यूजीलैंड में की जाती है, इसके अलावा इंडोनेशिया में भी चंदन की खेती की जाती है, लेकिन भारतीय चंदन की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे अधिक है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि भारतीय चंदन में जो तेल का प्रतिशत है वो विदेशों में पाई जाने वाली चंदन से कई गुना अधिक है, यानी कि भारतीय चंदन में करीब 1 से 6% तक सैंडलवुड ऑयल अधिक पाया जाता है चंदन की लकड़ियों में, और इसी कारण से भारतीय चंदन की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक बनी हुई है। तो दोस्तों, प्रतिशत में यदि हम इसको समझने का प्रयास करें कि चंदन में का कितनी मांग है मार्केट में और इसकी डिमांड कितनी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बाजारों में चंदन की मांग जो है वो 300% है और इसका उत्पादन भारत में केवल 30% है। यानी कि आप जो ये डिफरेंस देख सकते हैं, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चंदन की मांग बाजारों में कितनी अधिक बनी हुई है। चलिए दोस्तों, समझते हैं चंदन की खेती से होने वाले लाभ के गणित को। दोस्तों, चंदन की का जो रोपण किया जाता है प्रायः 10 फीट बाय 10 फीट की दूरी में किया जाता है, यानी कि 3 मीटर या 3.25 मीटर बाय 3.25 मीटर की दूरी में चंदन के पौधों का रोपण किया जाता है। तो इस आधार पे 1 एकड़ क्षेत्रफल में चंदन के करीब 400 से 450 पौधे रोपित किए जाते हैं। दोस्तों, चंदन का जो उपज है वो करीब 12 से 15 साल बाद प्राप्त होता है और 1 एकड़ क्षेत्रफल में, जैसा कि मैंने बताया, कि 400 से 450 पौधे रोपित किए जाते हैं। यदि हम ये मान लें कि करीब 12 साल बाद या 15 साल बाद 400 ही नहीं, उसका 50%, यानी कि करीब 200 पौधे ही जीवित बचेंगे और 200 पौधों से ही हमको उपज प्राप्त होगी, तो प्रति पौधा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रति पौधा चंदन से करीब 15 से 20 केजी हार्डवुड लकड़ी प्राप्त होती है और इस लकड़ी की कीमत बाजार में 10,000 से लेके 20,000 तक होती है। तो इस प्रकार एक पौधे से हमें करीब जो आमदनी होगी वो 1 लाख के आसपास होगी 12 से 15 साल के बाद। यानी कि 1 एकड़ में यदि हम 200 पौधे भी सुरक्षित रख लेते हैं, जीवित रख लेते हैं, तो ये जो हिसाब होगा करीब 2 करोड़ का होगा। यानी कि किसान भाई यदि चंदन 1 एकड़ क्षेत्रफल में लगाएंगे तो उन्हें कम से कम 1 एकड़ क्षेत्रफल से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का लाभ आसानी से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि चंदन की खेती में करोड़ों का मुनाफा है, तो ऐसा क्या कारण है कि किसान भाई चंदन की खेती करने से कतराते हैं? तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि चंदन की खेती उतनी व्यापक स्तर पर भारत में नहीं हो रही है। दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है,
जो मुझे समझ में आ रहा है कि चंदन की खेती क्यों उस स्तर पर नहीं हो रही है, आखिर इसमें लाभ इतना है, फिर भी किसान भाई क्यों आखिर चंदन की खेती करने से कतराते हैं। जो सबसे पहला कारण मुझे समझ में आ रहा है वो है जागरूकता का अभाव। आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चंदन की जो खेती है वो इल्लीगल है, यानी कि गैर कानूनी है। ये सोच पूरी तरीके से गलत है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चंदन की खेती में भारत सरकार ने सन 2000 तक बैन लगा के रखा हुआ था, लेकिन सन 2000 के बाद भारत सरकार ने चंदन की खेती को लीगल कर दिया है। यानी कि चंदन की खेती कोई भी कर सकता है अपनी खेत में, इसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और केवल जब चंदन की पेड़ की कटाई की जाती है 12 साल बाद या 15 साल बाद, तब केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना होता है। तो ये एक भ्रम के कारण लोग आज भी इस कंफ्यूजन में हैं कि चंदन की खेती इल्लीगल है, इसी कारण से लोग चंदन की खेती नहीं करते हैं। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है चंदन की खेती लोगों के बीच उतना लोकप्रिय नहीं है, उसके पीछे चंदन की खेती का जो वैज्ञानिक विधि है उसकी जानकारी का अभाव भी चंदन की खेती करने से लोग वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, चंदन की खेती भी उतनी कठिन नहीं है जितना कि लोग समझते हैं चंदन की खेती, परंतु हाँ, चंदन की खेती जो है दूसरे फलदार वृक्षों की तुलना में थोड़ा सा अलग है। किस तरह से अलग है वो हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये जो चंदन का जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसे बीज से तैयार किया जाता है और बीज को अंकुरण होने में करीब 1 महीने का समय लगता है और उसके बाद इसे मुख्य खेत में रोपित किया जाता है। परंतु हाँ, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। चंदन कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसके साथ हमेशा आपको एक होस्ट प्लांट का रोपण करना पड़ेगा। तो ये होस्ट प्लांट क्या है, आखिर चंदन को क्यों होस्ट प्लांट की जरूरत पड़ती है, ये आप लोग को मैं बताता हूँ। दोस्तों, चंदन एक सेमी रूट पैरासिटिक प्लांट है। सेमी रूट पैरासिटिक प्लांट का मतलब होता है कि चंदन में चंदन की पत्तियाँ हरी होती हैं, यानी कि चंदन अपना भोजन खुद बना सकता है, लेकिन ये एक सेमी रूट पैरासाइट है। चंदन को अपना भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, फॉस्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। परंतु चंदन इन पोषक तत्वों की पूर्ति स्वयं से नहीं कर पाता है, ये पोषक तत्वों के लिए चंदन होस्ट प्लांट पे निर्भर करता है। तो इसलिए चंदन को आप कभी भी यदि अकेला रोपण करेंगे, रोपित करेंगे, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चंदन को हमेशा होस्ट प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये होस्ट प्लांट भी, चंदन को 3 तरह के होस्ट प्लांट की आवश्यकता होती है। पहला जो होस्ट प्लांट है वो प्राइमरी होस्ट प्लांट, जो कि चंदन के जड़ के बिल्कुल नज़दीक रोपित किया जाता है। शुरुआती जो 2 या 3 साल है चंदन उन्हीं पौधों से अपना आवश्यक भोजन लेता है। अब ये प्राइमरी होस्ट प्लांट कौन कौन से है, जैसे कि सजावटी पौधों में अल्टरनेंथेरा एक प्राइमरी होस्ट बहुत ही अच्छा होस्ट प्लांट है। ड्यूरेंटा जो है ये भी एक सजावटी पौधा है, जो कि आपको गार्डन में हेज के रूप में देखने को मिल जाएगा। अल्टरनेंथेरा को भी गार्डन में आप आसानी से हेज के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो हेज है आपको चंदन के चारों ओर, शुरुआती जो 1 या 2 साल है 3 साल है उसके चारों ओर आपको इस हेज प्लांट का, चाहे डुरेंटा का हेज प्लांट हो कहे, चाहे अल्टरनेंथेरा का हेज प्लांट कहे, इसका आपको रोपण करना पड़ेगा। सेकेंडरी होस्ट प्लांट की बात करूं तो सेकेंडरी होस्ट प्लांट जो दलहनी फसलें हैं, मुख्य रूप से जो अरहर है, इस तरह की जो दलहनी फसलें हैं वो बहुत ही अच्छा होस्ट प्लांट का काम करती है। तो सेकेंडरी होस्ट प्लांट को करीब 1 मीटर की दूरी पे रोपित किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि चंदन की जो रोपण की दूरी है 10 फीट बाय 10 फीट है, तो जो बीच का जो खाली जगह बचा हुआ है, जो खाली स्थान बचा हुआ है, उसमें किसान भाई दलहनी फसलों को रोपित कर सकते हैं। जिससे, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो दलहनी फसलें हैं ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये जलवायु से, एटमोसफेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और अपने जड़ों में, गांठ में एकत्रित करते हैं। तो ये जो चंदन का पेड़ है इन दलहनी फसलों से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकता है। अब बात करते हैं टर्सरी होस्ट प्लांट की।
दोस्तों चंदन की खेती में जो सबसे प्रमुख योगदान देते हैं वो है टर्सरी होस्ट प्लांट। तो अभी वैज्ञानिक करीब 150 टर्सरी होस्ट प्लांट को आइडेंटिफाई किया है जो कि चंदन की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो शीशम है ये भी एक बहुत अच्छा होस्ट प्लांट है। इसके अलावा क्रैशुलिना जो है वो एक अच्छा होस्ट प्लांट है। फलदार पौधों की बात करें तो अनार और अमरूद एक बहुत अच्छा होस्ट प्लांट है। इसके अलावा ड्रम स्टिक यानी कि मुनगा भी एक बहुत ही अच्छा होस्ट प्लांट है, और नीम और मीठा नीम ये जो पेड़ हैं ये भी बहुत ही अच्छा टर्सरी होस्ट प्लांट के रूप में योगदान देते हैं। तो टर्सरी होस्ट प्लांट जो हैं दो जो चंदन के वृक्ष हैं उनके बीच में एक टर्सरी होस्ट प्लांट का यानी कि 5 फीट की दूरी में आपको एक होस्ट प्लांट एक टर्सरी होस्ट प्लांट को रोपण करना पड़ेगा, वरना जो ये आपका चंदन का वृक्ष है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे समझते हैं कि और क्या कारण है जिसके कारण से लोग चंदन की खेती करने से घबराते हैं। दोस्तों चंदन की जो खेती है वो धैर्य की खेती है, यानी कि दूसरे फलदार पौधों से इस चंदन की तुलना की जाए तो आज जो वर्तमान में फलदार पौधे जो उपलब्ध हैं वो ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं, एयर लेयरिंग विधि यानी कि गुटी विधि से तैयार की जाती है, और ये फलदार वृक्ष 3 साल में ही फल देना प्रारंभ कर देते हैं और इनकी कमर्शियल यील्ड जो है 5 साल बाद आना शुरू हो जाती है। लेकिन यदि बात चंदन की जाए तो चंदन की जो कटाई है एक बार की जाती है और वो करीब 12 से 15 साल बाद ही की जाती है, यानी कि किसान को 15 साल तक कम से कम इंतजार करना होता है चंदन की पेड़ से उपज लेने के लिए। ये लंबा समय होने के कारण भी लोग चंदन की खेती से घबराते हैं। तो चंदन की खेती करने से लोग इसलिए भी घबराते हैं कि चंदन में एक बहुत ही भीषण रोग लगता है, एक बहुत ही प्रमुख रोग है चंदन का, सैंडल वुड स्पाइक डिजीज। ये जो डिजीज है फाइटोप्लाज्म के द्वारा चंदन के पेड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग के प्रभाव से जो चंदन की पत्तियां जो हैं हरी पत्तियां जो है सूखने लगती है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और धीरे धीरे जो पेड़ है वो सूख के ख़त्म हो जाता है। दोस्तों 18वीं शताब्दी की बात की जाए 1903 से लेकर 1916 तक अंग्रेजों के शासन काल में कर्नाटक में लाखों पेड़ इस रोग से प्रकोपित हो गए थे और लाखों पेड़ों को अंग्रेजों ने कटवा दिया था ताकि जो चंदन के बचे खुचे पेड़ हैं वो इससे प्रकोपित ना हो सके। हर साल सैंडलवुड स्पाइक डिजीज से करीब 5 से 6% तक का नुकसान होता है, यानी कि यदि हम मान लें कि दुनिया में 100 वृक्ष हम एक साल में लगाए तो करीब 5 से 6 पौधे इस रोग से प्रकोपित हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये चंदन का एक बेहद भीषण रोग है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाल फिलहाल के दिनों में इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि बेंगलुरु में स्थित है और नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो कि पुणे में स्थित है, दोनों संस्थाओं ने आपस में MOU साइन किया है। दोनों संस्थाओं के बीच में आपस में अनुबंध हुआ है। अनुबंध किस चीज को लेके हुआ है, ये सैंडल वुड स्पाइक डिजीज के जो प्रभावी रोकथाम है उसके लिए कोई प्रभावी दवाई खोजने के लिए हुआ है। और इतना ही नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष ने करीब 50 लाख की जो है राशि रिलीज की है जिससे कि इस रोग पर ये दोनों संस्थाएं मिलकर शोध कर सके और एक प्रभावी कंट्रोल मेजर खोज सके। तो दोस्तों सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है, सरकार भी चाहती है कि किसान जो है चंदन की खेती करे और सफलतापूर्वक चंदन की खेती करे। इस क्षेत्र में सरकार भी अपना जो है योगदान दे रही है। चलिए दोस्तों समझते हैं चंदन की खेती हम कहां कहां पे कर सकते हैं। दोस्तों चंदन की खेती पूरे भारत भर में आसानी से की जा सकती है, केवल राजस्थान का जो बीकानेर और जैसलमेर वाला क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और लेह लद्दाख को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत भर में आसानी से चंदन की खेती की जा सकती है। केवल उन क्षेत्रों में चंदन की खेती नहीं की जा सकती है जहां जिस भूमि में जो पानी की निकासी है वो अच्छी ना हो या जिस भूमि में
जल का भराव हो केवल उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, उन भूमि को छोड़ दिया जाए, तो चंदन की खेती सभी जगह आसानी से की जा सकती है। दोस्तों चंदन जो है मुख्य रूप से भारत की बात की जाए तो चंदन, दो प्रकार के चंदन भारत में पाए जाते हैं। पहला जो है वो सफेद चंदन, दूसरा रक्त चंदन। पहला हम समझते हैं सफेद चंदन को, व्हाइट सैंडलवुड, जिसका वनस्पतिक नाम सेंटिलम एल्बम है। दोस्तों ये वृक्ष जो है करीब 100 साल तक जिंदा रह सकता है और इसकी जो लकड़ी है वो सुगंधित होती है। इसकी लकड़ी से तेल निकाला जाता है, उससे सुगंधित तेल बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। दूसरा रक्त चंदन यानी कि रेड सैंडलवुड, इसका वनस्पतिक नाम प्लेटेरियस सेंटिलेनस है और इसकी जो खेती है प्रायः दक्षिण भारत तक सीमित है, परंतु हाँ इसकी खेती आसानी से भारत के दूसरे भूभागों में भी की जा सकती है। ये जो लाल चंदन है इसकी जो ऊंचाई है करीब 20 से 25 फीट तक होती है और इसमें किसी भी, इसकी लकड़ी में, ये जो आप देख रहे हैं ये लाल चंदन है, इसकी लकड़ी में किसी भी तरह का जो गंध है वो नहीं पाया जाता है, परंतु हाँ इसका आयुर्वेदिक महत्व जरूर है। इसकी लाल चंदन की जो लकड़ी है, चीन की बात की जाए, जापान की बात की जाए, तो लाल चंदन से जो लकड़ी मिलती है उसका उपयोग वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों चंदन की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, चाहे बालुई मिट्टी हो, चाहे दोमट मिट्टी हो, चाहे पथरीली मिट्टी हो, या फिर चूने से युक्त मिट्टी हो, यानी कि जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक हो उस मिट्टी में भी आसानी से चंदन की खेती की जा सकती है। दोस्तों एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि जैसा कि आपने सुना होगा कि चंदन के पेड़ में सांप अजगर लिपटे हुए रहते हैं, चलिए इस राज से भी आज हम पर्दाफाश कर देते हैं। दोस्तों ये सच है कि ये जो सांप है और ये जो अजगर है या अन्य जो विषैले जीव जंतु हैं ये चंदन के पेड़ को पसंद करते हैं, परंतु हाँ इसके पीछे जो कारण जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। ये जो आप सोच रहे होंगे कि चंदन की पेड़ से निकलने वाली खुशबू से सांप अजगर आकर्षित होते होंगे, ये इसके पीछे कारण नहीं है। दोस्तों इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि जो चंदन का जो पेड़ है इसकी जो लकड़ी है ये दूसरे पेड़ की तुलना में इसमें जो ठंडकता होती है वो अधिक होती है और ये जो सांप है और ये अजगर है या फिर अन्य विषैले जंतु है उस ठंडकता के कारण आकर्षित होकर इस पेड़ के पास आकर इस पेड़ के तने से लिपट जाते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में। दोस्तों सांप जो है एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि सांप जो है अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम मानव गर्मी के दिनों में पसीना निकालकर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं, सांप में ऐसी कोई भी जो है मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए जो सांप है वो गर्मी के दिनों में ठंडक स्थान खोजते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सैंडलवुड की लकड़ी जो होती है ये दूसरे पेड़ों की तुलना में अधिक ठंडक होती है, इसलिए सांप और अजगर या दूसरे विषैले जंतु इस पेड़ से आकर लिपट जाते हैं। परंतु हाँ ये जो है प्रायः जंगलों में देखा गया है कि सांप और बिच्छू या फिर दूसरे विषैले जंतु हैं आकर ये इसके नज़दीक रहना पसंद करते हैं, परंतु जब इसकी खेती की जाती है, जब इसे किसान अपने खेत में लगाता है, तो उस समय ऐसा नहीं देखा गया है कि अजगर या सांप या दूसरे विषैले जंतु इस पेड़ से आकर लिपट गए हो। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोग को दी गई है आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।